बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की भाई माइक थले कर लो तशरीफ फरमा हुए मैं वो दिन नहीं भुल सकता क्योंकि हर दुख सुख के पहुंचना ये बादल साहब ही जानते उन्होंने तो ही शुरू होया किसी के भी दुख सुख अफसोस के जाना ये उन्होंने शुरू किया और संगत दर्शन भी उन्होंने क्योंकि वो अपने जो भी लाते थे ना बाहर निकलते दर्शन करते करते ये उन्होंने शुरू की उन्होंने देना मेरा ख्याल है पंजाब के जी सियासत है वो सिरमौर नाम आता इंडिया लैवल तो भी बहुत वही गल है कि बहुत व्डे महा जे पोलिटिशियन हो उन्होंने एक उन्होंने मैं जिक्र कर रहा मेरे माता जी के भोजन उत्ते आए थे मेरे पिता जी के बहुत प्यारे दोस्त थे और मैं अपनी याद है कि जो मैं कॉलेज में पढ़ता स मलोट और उस वे जो तकड़ी निशान लैके प्रकाश सिंह बादल जी आए थे मैं तकड़ी के उत्ते बकायदा पूरी कविता लिखी सी और पोस्टर भी असं अपने हाथी लाते रहे उदो ये बहुत पुराने पहले जो मैं तो उन्हीं दस रहा मैं क्या ऐसी शख्सियत नहीं होने बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की मेरे बापू जी ने भाई माइक थले कर लो मित्र मेरे माता जी ने भोगते उत्थे आप आके तशरीफ फरमा हुए मैं वो दिन नहीं भुल सकता क्योंकि हर दुख सुख के पहुंचना ये बादल साहब ही जानते उन्होंने तो ही शुरू होया किसी के भी दुख सुख अफसोस के जाना ये उन्होंने शुरू किया और संगत दर्शन भी उन्होंने क्योंकि वो अपने जो भी लाते थे ना बाहर निकलते दर्शन करते करते ये उन्होंने शुरू की उन्होंने देना मेरा ख्याल है पंजाब के जी सियासत है सिरमौर नाम आता इंडिया लैवल तो भी बहुत वही गल है कि बहुत व्डे महा जे पोलिटिशियन हो उन्होंने एक उन्होंने मैं जिक्र कर रहा मेरे माता जी के भोजन उत्ते आए थे मेरे पिता जी के बहुत प्यारे दोस्त थे और मैं अपनी याद है कि जो मैं कॉलेज में पढ़ता स मलोट और उस वे जो तकड़ी निशान लैके प्रकाश सिंह बादल जी आए थे मैं तकड़ी के उत्ते बकायदा पूरी कविता लिखी सी और पोस्टर भी असं अपने हाथी लाते रहे उदो ये बहुत पुराने पहले जो मैं तो उन्हीं दस रहा मैं क्या ऐसी शख्सियत नहीं होने एंटरटेनमेंट नाल जुड़ी हर एक खबर लई साडा फेसबुक पेज बॉलीवुड तड़का पंजाबी लाइक करो यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ते इंस्टाग्राम पेज नू फॉलो करो।